सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश भर में कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में यह चक्का जाम नहीं होगा। ये चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। वहीं इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को इस चक्का जाम से बाहर रखा गया है, लेकिन इसके दौरान किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारी किसानों को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या फिर आम नागरिक से भिड़ने की हिदायत दी है, कैसे निकलेगा समाधान, बड़ी बात यही है। 73वां दिन आंदोलन का, लेकिन इन सबके बीच आज चक्का जाम है। 12 से 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को इस दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से भी। दिल्ली में 26 जनवरी की घटना दोबारा न घट पाए, ऐसा उपद्रव ना हो, इसको रोकने के लिए प्रशासन ने भी हर जगह पर मोर्चेबंदी कर रखी है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, वरुण सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त अधिक जानकारी के साथ। वरुण, एक तरफ ये कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, 26 जनवरी को जो कहा गया था ठीक वैसी ही बात किसान नेताओं ने दोहराई है, लेकिन प्रदर्शन का ये जो चक्का जाम का तरीका है, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो तरीका क्या होगा, क्या सड़कों पर खड़े होकर या रास्ता रोक कर बाधित कर इस चक्का जाम को सफल करवाया जाएगा किसानों की तरफ से। किसान जो है वो रोड पर बैठ जाएंगे, किसान जो है वो प्रदर्शन करेंगे रोड पर और पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर देंगे। ये 12 से 3 बजे चलेगा। इसमें जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे एम्बुलेंस हो या फिर पुलिस वाहन हो या फिर कोई ऐसी सेवा हो जिसमें इमरजेंसी दिक्कत आ सकती है, उन गाड़ियों को जाने की अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज जो है वो सभी गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। ये रहेगा, लेकिन एक स्पष्ट बात है, देखिए उत्तराखंड, यूके और एनसीआर को इसलिए अलग कर कि उम्मीद ये हो सकती है कुछ अराजक तत्व कहीं इसमें शामिल ना हो और दिक्कत ना दे, इसलिए उत्तर प्रदेश इससे अलग किया गया है। एक और बात ये भी है कि इस चक्का जाम से कहीं ना कहीं जो किसानों की छवि 26 जनवरी से खराब हुई थी, उस में आंदोलन में गति आए और कहीं ना कहीं शांत तरीके से चक्का जाम चले। ये चक्का जाम किसान बहुत महंगा है, इसलिए करीब 5 घंटे से ज्यादा कल संयुक्त किसान मोर्चा की चली और इसमें तय किया गया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में कैसे इस चक्का जाम को सफल बनाना है और उसी के रणनीति के तहत तमाम शुक्रिया वरुण आपका विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। तो बड़ी बात ये, देखिए हिदायत साफ साफ दे दी गई है प्रदर्शनकारियों को, जिस तरीके से आज रोड ब्लॉक किया जाएगा, कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, किसी अधिकारी से नहीं भिड़ सकते, प्रशासनिक अमले से नहीं भिड़ना है, ये हिदायत दी गई है। क्योंकि किसान नेता भी मान रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन पर असर पड़ा, आंदोलन कमजोर हुआ, हालांकि इसको संभाला गया, दोबारा से डटे किसान मोर्चों पर, लेकिन फिर ऐसी कोई स्थिति ना पनपे, इसका खास ख्याल रखा जाए, ये हिदायत किसान नेताओं ने आंदोलनकारियों को दी है।